press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाटला हाउस मूवी के पांचवें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के बारे में। अभी तक इस फिल्म ने कितनी कलेक्शन की है और कितनी कलेक्शन कर सकती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर आरके और आप लोग देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड न्यूज। सबसे पहले आपको बता दें कि इस फिल्म को निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म के लीड रोल में जॉन अब्राहम मुंडल ठाकुर है। वहीं दोस्तों अगर बात करें पांचवें दिन की इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के बारे में, तो दोस्तों आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट तकरीबन 10-15%, आफ्टरनून शोज की 15-20% और इवनिंग शोज की 25-30% और नाइट शोज की 30-35% की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी जा रही है पांचवें दिन। वैसे दोस्तों जिस मुताबिक इसकी एडवांस बुकिंग देखी जा रही है उस मुताबिक ये फिल्म काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। अगर बात कर ली जाए इस फिल्म ने पहले दिन कितना कलेक्शन किया है, तो दोस्तों आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख ही रहेंगे कि पहले दिन इस फिल्म ने 15 करोड़ 55 लाख रुपये का कलेक्शन किया। वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 8 करोड़ 84 लाख रुपये का कलेक्शन किया। तीसरे दिन इस फिल्म में 10 करोड़ 90 लाख रुपए का कलेक्शन किया। वहीं चौथे दिन इस फिल्म ने अभी तक का जो कि रफ डाटा है वो 14 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं पांचवें दिन की अगर बात कर ली जाए जिस मुताबिक इसके एडवांस बुकिंग देखी जा रही है उस मुताबिक ये 6 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। तो दोस्तों इस तरह से इंडिया का जो कि नेट कलेक्शन हो सकता है 55 करोड़ 29 लाख रुपए। जी हाँ, ये फिल्म 5 दिनों के भीतर 55 करोड़ 29 लाख रुपए का कलेक्शन इंडिया की नेट कलेक्शन कर सकती है। अगर बात कर ली इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन की, छोटे पर्दे बड़े पर्दे को मिलाकर ये फिल्म तकरीबन 65 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। वहीं अगर हम बात कर लें इंडिया से बाहर बाहरी मुल्कों में, ये फिल्म ओवरसीज में तकरीबन 15 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है 5 दिनों के भीतर। तो दोस्तों इस तरह से इंडिया के ग्रॉस कलेक्शन और ओवरसीज कलेक्शन को मिलाकर तकरीबन ये फिल्म 80 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है 5 दिनों के भीतर, जिस मुताबिक इसकी एडवांस बुकिंग देखी जा रही है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कहां तक जा सकता है और इसका ये पांचवें दिन का जो कलेक्शन है वो कहां तक जा सकता है, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। साथ ही दोस्तों अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो आपका क्या रिएक्शन इस फिल्म को लेकर वो भी शेयर करना ना भूलें नीचे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। जैसे ही मेरे पास आई कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आपने विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।